नाजरीन और अजीज अज़ीज़म आदाब मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के तलीमी प्रोग्रामों की आज की इस मजलिस में हम आप तमाम को खुश आमदीद कहते हुए ये बताना चाहेंगे कि आज की इस मजलिस में हम आपके लिए पेश करने जा रहे हैं तंजो व के अनवान पर एक मुजा इस मुकरे में हिस्सा लेने के लिए हमने मदु किया है प्रोफेसर रहमत यूसुजई को जो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सबक सदर उर्दू रहे हैं इनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर सैद मुस्तफ़ा कमाल जो एक अदीब दानश्वर और सहाफ़ी की हैसियत से कौमी शहरत रखते हैं एडिटर शगुफ़ा की हैसियत से आप सब डॉक्टर सैद मुस्तफ़ा कमाल से बखूबी वाकिफ़ हैं मैं आप दोनों हजरा का आज की इस मजलिस में खैर मक़दम करते हुए सबसे पहले रहमत साहब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा तंजो मिजा की मख्तसर तारीफ हम किस तरह से कर सकते हैं तंज और मिजा ये बज़ाहिर दो मुख्तलिफ चीज़ें मानी जाती हैं लेकिन इन दोनों में बहुत गहरा ताल्लुक़ है जी तंज़ और मिजा दोनों एक दूसरे के साथ तकरीबन लाजम मलजूम कहे जा सकते हैं जी जहाँ तक मिजा का ताल्लुक है ये जहन की शगुफगी जिंदा दिली और इजहार में एक किस्म का की बजला संजी, जी जब होती है तो हम उसको मिजा का नाम देते हैं और तंज में थोड़ी सी काट होती है जी इजहार में थोड़ा सा तंज जब आ जाता है तो एक तरह की काट एक तरह की नस्तरीत पैदा होती है जी और ये दोनों चीज़ें जब मिल जाती हैं तो हम इसको कहते हैं तंज़ु मज़ा इसकी कोई मिसाल आप यहाँ पर देना मुनासिब समझेंगे कि किस तरह से हम इसमें तफरीक पैदा कर सकते हैं तंज़ मिजा तंज और में, में। देखिए एक ही जुमला मुख्तलफ अंदाज से लिखा जा सकता है जी। आ, किसी सियासी सूरत हाल पर या किसी शख्स पर अगर हम कोई बात कहें जी। आ, तो ज़ाहिर के लहजा थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाता है जी। जिसमें हल्की सी निस्तरीत का दखल होगा जी। तो वहाँ हम कहते हैं तंज और वही बात अगर हल्के फुलके अंदाज में कही जाए जी। जिसमें एक तरह से बजा संजी का पहलू निकल आए जी और बात में से बात निकल रही हो तो हम उसे कहते हैं मिजा तंज और मिजा दोनों तखलीफी इजहार हैं जी और तखलीकीी इजार में ये नहीं होता कि भई आप इस तरह से कहिए इस तरह से मत कहिए इस तरह से आपको कहना चाहिए ये इसका रूल बनेगा ऐसे कोई रूल नहीं है सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि जो कुछ कहा गया है उसकी हम तफरीक कैसे करें जी। जैसे अफसानवी अदब है या नावल है अफसाना है ड्रामा है मिज़ा है इनको हम फ़र्क कैसे करें इसके लिए कुछ ओसूल बन सकते हैं जी। लेकिन जैसे नावल लिखा गया जी। नज़ीर अहमद ने एक नावल लिखा था तो बुत और उसमें एक कैरेक्टर आपको मिलेगा मिर्जा ज़ाहिरदार बेग का जी जी। जो हुलिया उन्होंने बयान किया जी जिस जिस अंदाज़ से उस कैरेक्टर को पेश किया उस किरदार को पेश किया तो इसमें दो पहलू हैं एक तो ये कि वो कैरेक्टर कुछ मिजाहिया नोयत का जी, है जी। और दूसरे ये कि वो लखनऊ के एक खास जमाने का जो माशरा था उस माशरे पर गहरा तंज भी है जी, जी। तो आपने जो कहा था कि तंज और मिजा में जो फ़र्क होना चाहिए तो इस किरदार के ज़रिए उन्होंने जुम्मानी की उस, उस दौर के किरदार को पेश करने की कोशिश की जी तंजो मिजा के फरोग में अवध पंच का क्या रोल रहा इस सिलसिले में कमाल साहब आप हमारे नाजरन को बताएं। अवध पंच की खासी अहमियत है तंजो मिजा के फरोग में जी बुनियादी तौर पर ये रिसाला अठारह में शुरू किया गया था मुंशी सज्जाद के एडिटर थे जी जी सर सैद की जो तहरीक थी उसके अमल के तौर पे ये जी अखबार जो जारी हुआ था जी और उस वक्त पेश नज़र ये था कि जो कुछ माहौल सर सैद ने बनाया है उसके रद्द के लिए चंद लिखने वालों को यकजा किया जाए और उनसे तंदिया और मजा अंदाज़ में मुख्तलि मौजुआत पर कुछ लिखाया जाए जी और इसमें बहुत कामयाब रहे ये जो अखबार था एक तरह से अखबार की अखबारों अग, की जो रफ्तार थी उसमें भी इसने एक नयापन पैदा किया यानी कमजोरियों की नुकची करना नुकतची करना मिजाही अंदाज़ में जी और इससे पहले मिजाह का वो रंग और वो कैफियत नहीं थी जैसे कि अवधपन के लिखने वालों ने पैदा की जी और ये बहुत ही एक तरह से हम कह सकते हैं कि तंज की एक बाबा तहरीक थी जी जिसमें उन्होंने अपने जनसाथियों को शरीक कर लिया था और हिंदुस्तान भर से लोग लिखते थे जी और इनका जो असल मत में नज़र था जी कौमी आज़ादी अंग्रेज़ों की तहदीद के खिलाफ लिखना जी और उसके साथ साथ फिर आपसी तलुक़ा मेल जोल बेहतर कायम रखना जी बुनियादी तौर तो पर मुंशी सज्जाद हुसैन कांग्रेसी थे जी जी तो आज़ादी की तहरीक में भी वो हिस्सा लेना चाहते थे इस अखबार के तोसुद से जी इन तमाम मकासद में उनको कामयाबी हुई लेकिन जो बुनियादी काम जो अदब में वो कर गए तंज़ु की तहरीक का आगाज़ है जी। आप देखेंगे कि जितने नए अंदाज अपनाए गए उन सब में ये लोग कामयाब थे यहाँ तक के कार्टून को भी इन्होंने सबसे पहला आ, कार्टून उसी में छपा और मसलसल कार्टून छपते थे तो जो कैफियतें समाज की थीं, उसके कार्टून बनाए जाते थे अफराद पर भी तनकीद होती थी और चूँकि इन्होंने मिजा का लहजा इख्तियार किया था इसलिए हुकूमत भी कोई संजीदगी से इन लोगों के ख़िलाफ़ कोई इकदाम करने की तरफ मतव नहीं हुई जी जी और बहुत आसानी के साथ ही अपनी बात अपने प्याम लोगों तक पहुँचाते चले गए तो ये तकरीबन छत्तीस साल ये अखबार जारी रहा जी और छत्तीस साल में जो कारनामे इस अवधपंच के जरिए अंजाम दिए गए वो एक सदी में भी उसका अंजाम दिया जाना बहुत मुश्किल था जी और आगाज़ पर ही जन्दर ने वो ऊँचा मुकाम हासिल कर लिया जहाँ से फिर एक अदब में एक ख़ास रिवायत आगे बढ़ती है और तंजमज़ा को ख़ासी अहमियत दी जाने लगी और तंज मज़ा एक ऐसा ज़रिए इजहार बना जिसके से किसी तरह की भी खराबी किसी तरह की भी जुल्म जबर इस्तरदाद और आपसी अख्लाफ नाानसाफ़ी ये तमाम मौजूद पर उस दौर में लिखा गया और बहुत आज़ादाना लिखा गया हर किस्म की नाानसाफ़ी के ख़िलाफ़ और फिर अतदार को कभी उन लोगों ने हाथ से जाने नहीं दिया माजी में तंज और मजा को महज़ तमस्कुर के लिए इस्तेमाल किया जाता था लेकिन अवधमंश ने कभी कभी एक आध लिखने वाले ने कोई ऐसा अंदाज़ अख्तियार किया होगा लेकिन मजमू तौर पर आप ऐसा इल्ज़ाम पर आयद नहीं कर सकते ना इब्ताल था न तमजु ना तौर पर उन्होंने ऐसा किया नहीं दानिस्था नहीं देर दानिस्ता कोशिश थी ये पूरी शहूरी ये तहरीक पूरी शहूरी और दानिस्त कोशिश है ये और इस इस मुहिम का नतीजा ये हुआ कि नए जमाने में जो मकसद के लिए जो चीज़ें लिखी जा रही थी उसमें तंज और मिजा के लहजे से बहुत कामयाबी हासिल की गई जो बात अपनी कहनी थी बहुत आसानी से ये लोग कह गए गोया आप ये कहना चाहते हैं कि अवध पंच मिजाक मिजा के फरोग में एक अहम तहरीक साबित हुआ था बिल्कुल इसे आप तहरीक कह सकते हैं हालांकि एक अखबार है हफ्तेवार अखबार के तौर पर ईशाया होता था लेकिन इसकी बड़ी अहमियत थी और सर सैद भी जो कहीं कहीं जगह ऐसा महसूस हो रहा था कि उनके रवैये को आमतौर पर पसंद नहीं किया जाता था लेकिन अवधपन की तहरीरों की वजह से वो भी मतदल अंदाज़ इख्तियार करने लगे और अदबी बहसें भी इससे चल पड़ी हाल ही के ख़िलाफ़ बहस चली है सरशार पहले इससे वाबस्त थे बाद में दूसरे अखबार अखबार में चले गए सरशार तो जो अदबी ए, उस जमाने में बहसें चली हैं उसमें भी एक तंजमज़ा का एक ख़ास रंग नज़र आता है जी। और ख़ूबी आप इस अखबार में देखेंगे कि लखनऊ की जो रिवायात हैं तहजीबी और समाजी जी उन सबका अक्स आप इन तहरीरों में आप देख सकते हैं। आपके कहने का मतलब यह है कि उसकी लंदन से एक पर्चा निकला करता था लंदन पंच। जी। जी। और लंदन पंच वही स्लूब था उसका जिसको बाद में अवध पंच ने अख्तियार किया इसमें भी कार्टून छपते थे और मुख्तफ लोग लिखा करते जी अंग्रेजी में और वो दुनिया भर में बहुत मकबूल पर्चा माना जाता था जी तो सज्जाद हुसैन ने उसी नमूने पर अपना रिसाला शुरू किया जी और मेरा ख्याल है कि उर्दू में इस तरह की कोई तहरीर तो थी नहीं पहली पहली कोशिश थी लेकिन पहली कोशिश होने के बावजूद एक संग मील की हैसियत अख्तियार कर गया वो और इतना कामयाब और इतना खूबसूरत पर्चा था कि हाथों हाथ लिया जाता था आप... कई लोग थे उसके लिखने वालों में यहाँ तक कि अकबर इलाबादी ने भी उसमें लिखा है हालांकि वो सरकारी मुलाजिम थे उसके बावजूद आ, उन्होंने उसमें लिखा है मुंशीब त्रिभुवन नाथ हिजर और सितमजरीफ़ और बहुत सारे लोग उसमें शामिल छोबे बच्चू बैक्क तहरीक की आपने बात की तो मैं रहमत साहब आपसे मुख्तरा ये जानना चाहूँगा कि तरक् पसंद तहरीक ने तंजो व मिज़ा पर किस तरह का असर डाला था तरक् पसंद तहरीक का मक़द कुछ और था एक ख़ास कस्म का नज़रिया दुनिया के सामने पेश करना उसका बुनियादी मकसद था जी। आ, और हम तंजो मिजाक को तहरीक कहने की बजाय एक तरह का हम रुझान कह लें तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा बेहतर होगा इसलिए कि ये सोचे समझे मंसूबे के तहत किसी ख़ास नज़रिए को फ़रोग देने के लिए पेश की जाने वाली चीज़ नहीं थी जैसे तहरीक के बारे में हम समझते हैं कि इस तरह का कोई बैकग्राउंड उसका होना चाहिए और कोई फ़लसफा कोई ख्याल कोई फिक्र उसके जरिए पेश की जाए तो मुलाकद्न ने उसको आ, एक रुझान माना है और इसलिए भी कि इंसानी जहन से इसका गहरा ताल्लुक़ है आ, मिजा और तंज का ताल्लुक इंसानी जहन से बहुत ज़्यादा है जाहिर है कि दूसरी तहरीकों का भी ताल्लुक जहन से ही होगा लेकिन जो उसूब है असल में वो बुनियादी हैसियत रखता है इजहार तो का, तो का तो जो उसलूब है मैं आप चाहता हूँ एक बात अर्ज करना चाहूँगा कि तहरीक जो तरक़ पसंद की तहरीक रही हो या ददीद, जदीवियत की तहरीक रही हो इनका तंज मिज़ पर कोई असर नहीं कभी नहीं रहा और बुनियादी तौर पर तन्जु मिज़ा नगार जो लिखते थे उसका तल्लु उन समाजी मौजुआत से था जो तरक् पसंदों ने जिसको बाद में अपनाया आप इब्तदाही से देखिए तो समाज से जो ताल्लुक तलु तंजुमदारगारों के यहाँ था मसाइल को उन्होंने पेश किया मसाइल को वो पेश करते रहे पहले भी पेश करते रहे उस दौर में भी जब तरख पसंद तहरीक बहुत बिल्कुल, बिल्कुल जी। जी। ब, बड़े शबाब में थी और उस, उस जमाने में भी जो तंजुमदार नगारों ने लिखा वो वही हैं वो वही राबे हैं वही तरीक़े हैं जो तरखी पसंदों ने अपनाए थे इस तरह हम ये कह सकते हैं कि कड़वी जो गोली होती है दवा होती है वो खिलाने के लिए उन लोगों ने कुछ श्री उसमें अंदाज़ लेकिन उसमें इन्होंने कोई उनकी पैरवी नहीं की तरक् पसंद मुनिफी की या तरक़ पसंद तहरीक के जो बुनियादी असूल थे उसक, उसकी कोई पैरवी नहीं की लेकिन काम उन्होंने तकरीबन वही किया जो तरक़ पसंद अंजाम दे रहे थे वैसे खुद तरक् पसंदों में भी जी जी जितने लिखने वाले इसमत चुप्त हुई या कृष्ण चंदर हैं और बहुत सारे हैं हैं जी जी ये तरक् पसंद थे लेकिन इनकी तहरीरों में जो तंज़ मिजाज की चाशनी है वो बहुत अहम बात है जी ये ज़रूरी नहीं है कि कोई तंज़ मिजाज से वाबस्ता शख्स अगर उसने उस उस उसलूब को इख्तियार किया है तो वो किसी तहरीक से वाबस्ता ही हो कामयाब होगा ऐसी कोई बात नहीं है बल्कि यह एक मिजाज है लिखा, लिखने का एक तरह का उसलूब है अदब के मुख्तलिफ असनाफ पे कमाल साहब वक्त के साथ साथ मनफी और मबत असरात मुरतब होते रहे हैं तो ये बताएं कि तकसीम हिंद के बाद या आज़ादी के बाद हम कहेंगे कि तंज़ मज़ाप पर किस तरह के असरात मुरतब हुए थे तकसीम के फौरी बाद तो जो माबाद असरात जिस तरह आप दूसरी असनाफ में देखते हैं अफसाने में और नावल में उस तरह तंज़ मिजाब पर भी कुछ असर रहा लेकिन यह बहुत आरजी असर था और आहिस्ता आहिस्ता जो दो ममालिक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अलग मसाइल थे उनको अपने अपने इलाक़े के लोग पेश करने लगे जो तो अलग धारे बन गए थे लेकिन अच्छा इन धारों में आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान में जमहूरी मिजाज बन नहीं सका था जब हिंदुस्तानी जमहूरियत पसंद थे और जमहूरी मिजाज को लेकर आगे बढ़ रहे थे लेकिन तंजमज़ा की तहरीरों में आप दोनों इलाक़े को देखेंगे कि फ़र्द की आज़ादी और जमहूरी आज़ादी और इंसान दोस्ती ये याद आपको कॉमन नज़र आएंगे मुश्तर नज़र आएंगे और तकसीम के बावजूद लोगों ने आम इंसान के मसाइल को ज़्यादा पेश किया तंज़ुम में और जितनी बुराइयाँ समाज में दर आई थी उनके ख़िलाफ़ आवाज उठाई गई तो एक ऐसा एक दौर चला फिर अड़तालीस से लेकर एक पंद्रह बीस साल तक के जिसमें असालिब में भी तब्दीली आई है और तंजुमजा नगारों में एक से एक बड़ा तंज़ुम नगार ऐसा पैदा हुआ जिसकी वजह से इस इसमें बड़ा एतबार पैदा हुआ वरना पहले ये कहा जाता था कि तंज़ु मज़ा एक दूसरे दर्जे का अदब है और इसमें इब्ताल ज़्यादा है तमस्ते कई फैतें ज़्यादा हैं लेकिन आहिस्ा आहिह ऐसे लोग सामने आए जिन्होंने ऐसी तहरीरें दी जो अदब अदब आरिया का एक हिस्सा बन सकती हैं तो आज़ादी के फौरी बाद जो कुछ लिखा गया उसकी ख़ास अहमियत है और उसके तंज़ु मज़ा के अरत में वो जो दौर है पूरा चाहे हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो दोनों जगह बहुत ही अली कस्म की तहरीरें मुश्तक थी दोनों जगह बिल्कुल वमी सतह पर जो बातें थीं उनको तंजमदार निगारों ने बहुत ही किसी जहनी तफ़ुज़ के बग़ैर पेश किया है और कॉलम निगारी भी दोनों इलाक़ों में काफ़ी इसको फ़रोग हुआ तो कॉलम के ज़रिए भी जो रोज़मर के मसाइल थे वो सामने आते चले गए और कॉलम को भी उन्होंने किसी ख़ास तरह से ए, महदूद नहीं रखा उसमें हर तरह की चीज़ें लिखी गई ऐसे कभी कभी ऐसा हुआ कि किसी फर्द के बारे में लिखा गया कभी किसी तहरीक के बारे में लिखा गया कभी किसी खास बुराई पर लिखा गया और जो छोटी छोटी खराबियाँ हैं समाजी उन और या माशी उनको पेश किया गया तब खाती कशमकश की वो बातें जो तरह पसंद करते हैं जी जी। वो सारी हमारे तंज निगारों नगारों के तहरीरों का जुज़ बनी है वो और तंज को जो एतबार मिला है जी उसमें पाकिस्तान में दो तीन अहम नाम सामने आए के बाद जिसमें सबसे अहम नाम है मुश्ताक अहमद यूसुफी का हाँ मैं उन्हीं के बारे में जानना चाहता था जी। उन्होंने तंजो मजा के फरोग में आ, किस तरह की जो उनकी अपनी तहरीरें थी क्या उसमें खसूसियत थी कि जो उनको दूसरे जो तंजो मजा के लिखने वाले थे उनमें मुमताज़ करती है सबसे पहली बात तो यह है कि उनका लिखने का जो स्लोब है वो बहुत ही मुनफरद है उन्होंने हालांकि जो पुराने असालब थे उसी को सभाल किया लेकिन जो उनके कहने का अंदाज़ है वो कुछ ऐसा है कि उसके लिए खारी का बेहद पढ़ा लिखा होना जौक़ का हामिल होना बहुत ज़रूरी होता है वरना उसकी जो तहदारी है उनके पास जो मानवियत है कि असल तक हर आदमी पहुंच नहीं सकता जी उनके जो खारी हैं वो कभी लुफानंदोज तो होते हैं लेकिन उसमें एक बड़ी तादाद ऐसी होती है जो माना की जो तहें हैं वहाँ तक पहुंच नहीं पाती और यूसुफ़ी साहब की तो यह अहमियत है कि तंजमदा के इस दौर को दौरे यूसुफ़ी कहा गया जी 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 वो इसलिए कि उनकी तहरीरों में वो जान है और उन्होंने भी एक तरफ शुरू में पहले मजामी लिखे पहले तो आज़ादी से पहले उन्होंने जो कुछ लिखा उसको बिल्कुल रद्द कर दिया जी और उसमें से कोई चीज़ आज तक सामने नहीं आई और बाद में जो उन्होंने लिखा तो दो मजमू की शक्ल में सामने आए वो फिर उन्होंने सवानें लिखी और फिर एक ऐसी किताब लिखी जिसको कहाँ शामिल करें यह कहना बहुत मुश्किल है जी। तो और उनका जो तर्ज तहरीर है उसकी कोई इतवा नहीं कर सकता आमतौर तो पर ऐसा होता है कि किसी ने किसी अंदाज में लिखा तो उनसे मुतासर होकर औरों ने भी वो तर्ज अख्तियार किया लेकिन तकलीफ नहीं की। इनकी तखलीद बहुत मुश्किल है जी। जी। इनका जो सारा मुताल है हमारे क्लासिकी अदब का दौर हाजिर के अदब का पूरा आपको निचोड़ नजर आएगा और एक एक जुमला एक एक टुकड़ा जब वो इस्तेमाल करते हैं तो उसके पीछे वो पूरी तारीख वो आ, आ, पस मंज़र मंज़र पस 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 होता, होता है, होता जी। होता है।, है। जी। और फिर दूसरी बात उनके पास ये भी है कि एक लफ्ज की तहरीफ से वो एक नया लुत्फ पैदा कर देते हैं खुद उनकी जो किताब है देखिए वो बैंक के कारोबार से वापस आते जहाँ पैसे का लेन देन होता है और उन्होंने सरगजिश्त को जरगुज से बदला तो जरा सी तब्दीली एक हर्फ की तब्दीली और उसको उन्होंने एक नया मफू पहना दिया जी। तो यह उनका कमाल है तंजु मिजा में दानश्वर तबके तक पहुंचने के लिए एक अंदाज रहा और कॉमन मैन एक आम आदमी तक पहुंचने के लिए तंज मिजा के जरिए अपनी बात को पहुंचाने के लिए एक अलग अंदाज रहा तो इसमें पैरोडी जो है उसको खास अहमियत हासिल है तो यह बताएं कि पैरोडी में किस तरह की खसूसियात पाई जाती हैं या पाई जानी चाहिए रहमत साहब ने जो अभी कहा जी के सरगजिश कौनों ने जरगुजर बनाया ये भी एक लफ्ज़ी पैरोडी है जी 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 आप किसी एक ख़ास चीज़ का एक लफ्ज़ बदल दें मिसाल के तौर पे अगर आप गालिब के अशार लें और उसमें से इश्क के लफ्ज़ को अगद में बदल दें तो सारे वो इश्क के अशार को आप अगद के साथ पढ़ लीजिए तो कुछ और ही लुत्फ़ मिलने वाला है जी तो ये तो पैरोडी है ही दरअसल पैरोडी तखलीकी जो खूबियाँ हैं किसी किसीलूब की उनको असरनों बस तख्लीक करना और उसके जरिए से मिजा पैदा करना ये पैरोडी है जी आ, नसर में इसका ज़्यादा असर आप देखते हैं या फिर नजम में आप इसका असर देखते हैं जहाँ तंजो मिजा के जरिए एक आम आदमी तक पहुँचने की जो कोशिश की गई वो कामयाब कोई दोनों, 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 दोनों में है में। लेकिन नज्म में ज़्यादा है नजम का सरमाया पेरोडी का बहुत ज़्यादा है नसल में ज़रा कम लिखी गई है बहुत मुश्किल काम है जो तो नादरी लिखी थी बहुत मुश्किल है हमारे हमें जमाल पाशाह ने बात चीज़ें लिखी हैं नजम में जी, जी, आ, या फिर इस नादी ने भी एक आध कोई चीज़ लिखी है तो नसल में बहुत कम है सरमा ज़्यादातर शायरी नजम में है नज्म में है वजह भी है कि शेर लोगों को याद रहते हैं और जो चीज़ याद रहती है उसकी पैरोडी सुनाई जाए तो उसका लुत्फ कुछ अलग होता है यही वजह है कि इकबाल और गालिब के अशार की पैरोडी की गई है ख़ैरमारूफ़ शेर की पैरोडी में लुत्फ नहीं होता है क्योंकि वो अगर जब तक जुबान ज्यादा खास आम होना चाहिए हो ना हो तो उसका लुफ्फ कुछ और हो जाता है। और वहीं वो जो मुदक कैफियत बनती है नई उससे वो लुफ उठा सकते हैं जी कमाल साहब चूँकि सजम दक्कन से आपका ताल्लुक है और रहमत साहब का भी ताल्लुक यहीं से है आपका आ, मतलब मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ रहा है मुशतबा हुसैन साहब से तो ये बताएं कि तंजो व के फ़रोग में मुशतबा हुसैन की जो तहरीरें थी उनका रोल किस तरह का रहा किस तरह से उन्होंने अपना हक़ हाँ अदा किया इस में इसके फरोग में मुशतबा हुसैन चालीस पैंतालीस साल से लिख रहे हैं और मुसलसल लिख रहे हैं जी और उनकी एक खास बात यह है कि आसान जबान में वो अपनी बात कहते हैं और नसर का कोई पराया ऐसा नहीं है जिसमें उन्होंने मिजा को दाखिल ना किया हो वो जब भी कोई तहरीर उनकी सामने आती है तो ऐसा मालूम होता है कि मिजा ख़ुद ब खुद उसमें शरीक हो गया तो ये बहुत कम ऐसा होता है और इतना कामयाब मिज़ा नगार उर्दू में कोई पैदा नहीं हुआ तो बहुत सी ए, ए, कुछ अदीब ऐसे हैं जिनकी एक चीज़ पसंद की गई तो दूसरी पसंद नहीं भी की गई कर्नल मोहम्मद ख़ान की बजनंगमद बहुत ही शानदार किताब है लेकिन उनके आखिरी जो मजामी हैं वो कमज़ोर पड़ते नजर आते हैं इस तरह हर एक यहाँ कहीं ना कहीं आप जाके देखते हैं कि एक तरह का इनेतात आया है लेकिन मुशतबा हुसैन जो पैंतालीस साल से लिख रहे हैं आज भी उनके पास जो तंज और मिजा है वो कुछ अजब तरह का उसमें अजब तरह की कशिश है और कैफियत है और ऐसा महसूस होता है कि मुशतबा एक तरफ एक बहुत ही चालाक दीर्क और होशियार दानिशमंद के हसीियत से हर चीज़ का मुशाह करते हैं जी और उसके बाद उसको तंज़ और मिज़ा के उसलूब में पेश करते हैं तो यही उनकी कामयाबी सामने आती है नसर के हवाले से हमने मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की और मुशतबा हुसैन की बात की रहम साहब आप ये बताएं कि तंज़ मिज़ा के फरोग में शायरी के कौन से नमूने हैं जिनका हम आज की इस मजलिस में जिक्र कर सकते हैं जिनके बारे में ख़ास तौर पर तलब इलमों को बताया जा सकता है देखिए दिला और फिगार हैं आ, उनका नाम शायद अंदाज़ नहीं किया जा सकता उनकी शायरी का लेकिन आ, उन तमाम शरा से हटकर अकबर इलाहाबादी हुए और बहुत सारे दूसरे मैं ख़ास तौर तो पर जिक्र करना चाहूँगा उन शुरा का जिनका ताल्लुक दक्कन से है और जिन्होंने दक्कनी में शायरी की है मेरा ख्याल है कि यहाँ जुनूब में और ख़ास तौर तो पर हैदराबाद में हैदराबाद में जो शायरी की गई है दखनी लहजे में दखनी अंदाज में उसमें एक ऐसा लुत्फ है जो किसी और जबान में आपको शायद या किसी और इलाके के उसलूब में नजर न आए सुलेमान खतीब या सरवर डंडा आप इनके अजमे देखिए तो महसूस होता है कि ये इन्होंने मिज़ाह और तंज और दखनीत और दकनी लहजा और दकनी जबान इन सब को मिलाकर एक ऐसी चीज़ तकलीफ़ कर दी है जो अपनी मिसाल आप है जी। एक शायर हुआ करते थे अनपढ़ भुवनगिरी एक और पागल आदिल आबादी पागल आदिल आबादी और जी। बहुत सारे हैं सरवर डंडा है जी, जी। आ, भी हैं हिमायतुल्ला हैं, हैं। जी। अभी हिमायतुल्ला का एक मजमु भी जी। जी। सामने आया है जी। तो आप देखें कि इन लोगों ने भी बहुत अहम रोल अदा किया है तंजो मिजाज के फ़रोग में और हम उसको अंदाज नहीं कर सकते ऐसा कोई शायर जिसने तंजो मिजाज के ज़रिए शायरी को एक नई जहत अदा की उनकी कोई आप यहाँ पर मिसाल पेश करना चाहेंगे कमाल साहब किसने सबसे पहले शायरी में तंज़ मिजा के रवैये को अपनाया इब्तः में तो मैंने अगर आप चार पाँच सौ साल पहले जाएंगे तो उसके नमूने कोई ख़ास नहीं मिलते नहीं, एक एक नाम आपको नजर आएगा हाशमी बीजापुरी का या फिर जाफर जटली का जाफर जा लखनऊ के हाँ कुछ शायर आपको मिलेंगे जिन्होंने मिजाक को भी तैयार किया है। जी, जी हजम सौदा का नाम आपको याद ही होगा जिन्होंने काफी हजम लिखी और जी, काफी अहम नाम है उनका अकबर की अकबर पर बहुत बात की बात है जी नहीं अकबर की शायरी में जब हम तंज का जो जिक्र करते हैं तो उसमें आप क्या महसूस करते हैं किस तरह उन्होंने तन्स किया है आप अकबर के यहाँ एक ख़ास अंदाज है असल में वो मशरख़ीत से हिंदुस्तानियत से यहाँ मशरकी तहजीबी इकदार से बहुत मोहब्बत करते हैं और उन्हें यह बहुत बुरा लगता है कि जो नई तहज़ीब आती जा रही है चाहे वो लिबास की शक्ल में हो चाहे वो रहन सहन की शक्ल में हो चाहे वो खाने पीने के अंदाज़ में हो सेवैं और केक में वो फ़र्क महसूस करते हैं उस, आ, अपने बेटे को जो ख़त लिखा कि वो, वो सेवैयों का मज़ा भूल गए केक खा के खाके से का मज़ा भूल गए या फिर यह कि पानी पीना पड़ा है पाइप का हर पड़ना पड़ना पड़ा है टाइप का जी, तो ये टाइप जो मौजूदा दौर की ईजाद है या फिर ये कि पाइप का पानी जो हम पीते हैं दिन रात तो वो इस, इस यलगार से आ, कुछ नाला नज़र आते हैं यानी वो तंजो मिजाक़ के साथ साथ वतनीत पर भी खसूस तवज्जो देते थे क्योंकि उनके शहरी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो अकदार थे हमारे उसकोान नजर आते हैं बिल्कुल सही है मग़रीब के खिलाफ तो नहीं कहूँगा मैं इसके मगरीबों ने अपने बेटे को पढ़ने के लिए भेजा जी मगरबी तहजीब के खिलाफ लेकिन मग़रबी तहजीब का और खासतौर पर जो हम उसको कबूल कर रहे हैं हमारी अपनी तहजीब छोड़कर एक नई तहजीब में दाखिल हो रहे हैं हमारा लिबास तब्दील हो रहा है हमारा रहन सहन तब्दील हो रहा है हमारे खाने पीने के अंदाज तब्दील हो रहे हैं तो इस बात से वो नाला है और जो इसला तहरीक थी सर सैद की और जिसके लिए ये पर्चा शुरू हुआ था पंच वगैरह तो ये भी एक बुनियादी वजह है अकबर इलाहाबादी उस पर्चे के साथ रहे बहुत लिखा उन्होंने उस पर्चे के लिए पंच के लिए बहुत लिखा है उसकी बुनियादी वजह भी यही है वो सर सैद के दोस्त भी हैं सर सैद पर तंज़ भी करते हैं उनकी मुखालफत भी करते हैं जी। लेकिन खुलूस से बुनियादी तौर पर खुलूस उनके यहाँ है बेहद शुक्रिया डॉक्टर रहमत यूसुजई साहब और डॉक्टर सैद मुस्तफा कमाल साहब तो आज की इस मजलिस का यहीं पर अख्ताम अमल में आता है एक बार फिर से मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ शुक्रिया